एडवांस ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 33 का वीडियो नंबर 4। टॉपिक चल रहा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर है 41। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरा ध्यान है ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, फिर भी मैं ऑप्शन बना के रख देता हूँ। अगर हो गया है बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये कई एक बार आया हुआ है एग्ज़ामों में, यूपी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज वाले में, और पीजीटी एनटीजीटी रिपीटिंग होता है, यानी ये क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है। एक्स का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है ए माइनस का बी अपॉन वन माइनस ए बी, वन माइनस ए बी। बी ऑप्शन है वन प्लस का ए बी अपॉन ए माइनस बी। सी ऑप्शन है, मेरा ध्यान है कि मैंने ये करवा दिया है और कहीं इसी टॉपिक यानी इस चैप्टर की वीडियो में ही है। आंसर आएगा ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। ठीक है, तो ये तो वही याद किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, बार बार रिपीटिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, जो रिपीटिंग वाले क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, उसको मैं बताता रहूँगा कि ये बहुत बार रिपीटिंग होता है। ठीक है, ये आता है तो ऐसे क्वेश्चनों का बनता है कि सजेस्ट किया जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन हैं जो याद हो जाते हैं, जिनका आंसर याद हो जाता है, वहाँ पे एग्ज़ाम में सोल्व नहीं करने पड़ते, ये वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कुछ इन पर डायरेक्ट ट्रिक लगाई जा सकती है, डायरेक्ट यानी कि गोला बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है एक्स का वैल्यू फाइंडिंग करना है, क्या एक्स का मान आएगा? आसानी से हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस का एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू चल रहा, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, टेन को उधर ले जाएंगे, टेन पाई बाई टू यानी टू अपॉन ये होगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन पाई बाई टू यानी कि टेन नाइन्टी इनफाइनाइट यानी कि वन अपॉन जीरो, तो टू अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन जीरो, तो टू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन जीरो, तो जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एक्स इक्वल टू जीरो। 42 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43, ठीक है, 43 नंबर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन फाइव प्लस कोसेक इनवर्स फाइव अपॉन फोर इक्वल टू फाइव बाई टू। एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस कोसेक को लिख देंगे साइन इनवर्स चार बटे पाँच इक्वल टू चल रहा है पाई बाई टू। पाई बाई टू को हम एक्स के टर्म में लिखें तो हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। एक्स के टर्म में मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स फोर अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव। एक तो मेथड ये है, एक यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करें तो थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन होगा तो लेंथी होगा है ना, तो टाइम लगेगा। अब ये है जैसे इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी, कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव है, ये कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव, इसको अगर साइन में चेंज करेंगे अंडर रूट वन माइनस का फोर अपॉन फाइव का स्क्वायर 16/25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/25 यानी कि 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 एंड साइन इनवर्स एक्स बटे पाँच। ठीक है, तो एक्स बटे पाँच इक्वल टू 3/5, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3। तो मतलब वही है कि जो छोटा ऑप्शन हो यानी छोटा आंसर हो वो ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, जल्दी से जल्दी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बार बार रिपीटिंग हो रहा है। कोस 5/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5/3 कई एक बार देखने को मिला है एग्जाम में। ए ऑप्शन है 5/2, बी है 5/3 एंड सी ऑप्शन है 10/3 एंड डी ऑप्शन है 0, यानी कि इसका आंसर इसमें से क्या आनेगा? ठीक है, तो साइन इनवर्स में वैल्यू चल रहा है और एक कोस में चल रहा है, तो कोस इनवर्स 5/3 को तोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस 300 प्लस साइन इनवर्स साइन 300
साइन इनवर्स साइन 300, तो ये हो जाएगा कोस कोस इनवर्स 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस का √3/2, ठीक है। तो कोस इनवर्स 1/2 माइनस का साइन √3/2 तो होगा 5/3 माइनस का 5/3 = 0, ठीक है। साइन माइनस थीटा −साइन थीटा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 45, 45 नंबर वन। क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस का 2 cot इनवर्स एक्स = 2π/3, तो एक्स का वैल्यूज क्या होगा। ऑप्शन है √3 - 1/√3 + 1, बी ऑप्शन है 3 एंड सी ऑप्शन है √3, डी है √2। तो ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 cot इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x + cot इनवर्स x = 2π/3। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x π/2, ये होगा cot इनवर्स x = 2π/3। तो cot इनवर्स x = 2π/3 माइनस का π/2, एलसीएम लेंगे 6 और ये 4π, 2 3 6 3π, ये हो गया π/6। cot इनवर्स x = π/6 एंड एक्स इक्वल टू हो गया cot π/6, यानी कि cot 30। टेन थर्टी है 1/√3 और cot 30 हो जाएगा √3, एक्स इक्वल टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। फोर्टी फाइव हो गया है, 46। वैल्यूज ऑफ कोस, और ये है 2 cos inverse x + sin inverse x, इसका वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो इसको लिख सकते हैं cos inverse x + sin inverse x। cos inverse x + sin inverse x π/2 हो जाएगा, यानी कि cos inverse x + π/2, यानी cos 90 + थीटा एट एक्स इक्वल टू सॉरी 1/5 पर, एट एक्स इक्वल टू 1/5 पर वैल्यूज फाइंडिंग करना है। तो क्या इसमें मान पॉसिबल हो सकता है, ये हमको निकालना है। तो कोस 90 + थीटा दूसरी क्वार्टिल में जाएगा, दूसरे में जो है cos 90 + थीटा होगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा है cos inverse x, ठीक है। अब मैं cos inverse x को अगर साइन में चेंजिंग कर देता हूँ, sin inverse √1 - x² हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा भी होता है, इस माइनस को अंदर भी लिया जा सकता है, इसको हम ऐसे भी तो रख सकते हैं। हाँ ठीक है, वो तो माइनस बाहर अंदर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस यहाँ है √1 - x² एंड x की जो वैल्यू है 1/5 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्विंग कर लेंगे, ये जो कंडीशन ये जो वैल्यूज आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है, 47 नंबर, 47 है हमारा। cos inverse इसी टाइप में क्वेश्चन है, 4 cos inverse x + sin inverse x π। वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू उसमें फाइंडिंग करना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 cos inverse x प्लस, यही क्वेश्चन है, इसको कहते हैं ट्रिकी है, बहुत छोटे से क्वेश्चन आ गए, cos inverse x + sin inverse x π/2, ठीक है। जनरली अगर माइंड पे ले जाओ तो यहाँ से कैसे करें,
तो ट्रिक्स में थोड़ा सा इसको चेंजिंग कर लिया है, 4 को 3 एंड दिस, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पाई माइनस का पाई बाई टू हो जाएगा 3 cos inverse x, देन cos inverse x इक्वल टू π/6 एंड x इक्वल टू cos π/6, यानी कि cos 30 हो जाएगा हमारा 1/√3/2, सॉरी √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे 47 हो गया है, उसके बाद लेना है 48 नंबर। थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स साइन -600°, ठीक है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का जो पॉसिबल मान है वो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटिंग भी हुआ है एग्ज़ाम में, NBS DSSB के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे आता रहता है, ठीक है। और यूपी में तो कोई बात ही नहीं, यूपी में तो ऑल ऑफ मिक्सचर सभी टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो साइन इनवर्स, क्योंकि साइन -थीटा जो होता है, पहले अगर इतनी की क्वांटिटी निकाली जाए -600 की, साइन -थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस का साइन 360 प्लस 240 साइन 360, यानी कि यह हो जाएगा साइन 240 इक्वल टू साइन 180 प्लस 60 माइनस का साइन 60, साइन 60 यानी कि √3/2 साइन 60 √3/2, ठीक है। तो अब इतना जो क्वांटिटी है यहाँ पे पुट कर दी जाए, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 या 60° के इक्वल हो जाएंगे 60°, यानी कि π/3, साइन 60 का मान ये होता है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, 48 हुआ है 49, तो काफ़ी मशक्क़त की गई है, काफ़ी टाइप के मैंने क्वेश्चन करने का प्रयास किया है, देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, और इस वीडियोस में भी मैंने काफ़ी क्वेश्चनों को लिया है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स का वैसे जनरली है नहीं क्वेश्चन, ये आगे आएगा त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शन में BSc क्लासेस में, और इनवर्स चल रहा है तो इसको यहाँ पर भी दिया जा सकता है, इसका जो डोमेन होता है वो -1 एंड 1, ठीक है। डोमेन याद रख सकते हैं इसका, क्योंकि साइन की जो वैल्यूज है -π/2 to π/2 लाई करती है वो रेंज होगी, और डोमेन हो जाएगा -1 to 1, ठीक। और ये ऑप्शन थे, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, ये डोमेन रेंज वो सारी मैं बताऊंगा ही वहाँ पे, फिर भी यहाँ अगर दिख रहा है मुझे तो बचना नहीं चाहिए भले ही रिपीट हो जाए एक बार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात आती है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, और ये टॉपिक लगभग ख़त्म है, कुछ कुल मिला के 5 से 7 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, तो डे नंबर 34 में एक वीडियोस बना देंगे उनकी जो भी होगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें आप स्टार्टिंग कर देते हैं। तो 2 tan inverse 2x/1 - x² = π/3, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स क्या होगा, तो देखने में लग रहा है एक्स इक्वल टू क्या पुट किया जाए, tan थीटा, हाँ एक्स इक्वल टू tan थीटा अगर पुट कर दें तो बात बन जाएगी, यानी साइन इनवर्स 2 tan θ / 1 + tan²sin²θ हो जाएगा, ये cos²θ हो जाएगा, ये tan²θ हो जाएगा, यानी कि 3 sin inverse sin²θ एक्स इक्वल टू tan θ रखने के बाद, और ये cos इनवर्स हो जाएगा cos²θ एंड 2 tan inverse tan²θ इक्वल टू π/3, तो ये कैंसिल हो गया, 3 × 2θ माइनस का 4 × 2θ प्लस का 2 × 2θ इक्वल टू π/3, तो नेक्स्ट हो जाएगा 6θ माइनस का 4θ प्लस का 4θ इक्वल टू π/3, 4θ कैंसिल, नहीं नहीं 8θ हुआ, ये 8θ, तो यहाँ पे कितना बन गया 10, 2θ इक्वल टू π/3 एंड θ इक्वल टू π/6,
थीटा का मान पाई बाई सिक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो टेन पाई बाई सिक्स यानी कि टेन थर्टी वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका वन अपॉन रूट थ्री।